जनपद में नदियों के घटते जलस्तर से अब बाढ़ प्रभावित गांव में भी पानी घटने लगा है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से 1.18 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया है कि जनपद में बाढ़ और बारिश का असर कम होने के साथ जल जनित बीमारियों को बढ़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार प्रशासनिक अधिकारी कैंप कर रहे हैं। नदियों का जलस्तर कम होने के साथ तटबंधों की निगरानी के साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों में फॉगिंग और छिड़काव कराया जा रहा है। राजस्व, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बाढ़ के लिए जैसे अभी सभी टीमें मुस्तैद हैं, लगातार भ्रमण करके गांव में कैंप करके कार्य कर रहे हैं। जलस्तर नीचे गिर रहा है, तटबंधों पे निगरानी लोग बरकरार है। राजस्व टीम और अन्य स्वास्थ्य टीम, पशुपालन की टीम सभी गांव में कार्यरत हैं। बाढ़ के पानी नीचे उतरते ही सफाई कर्मचारीगण की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे ग्राम विकास और अन्य विभाग जल निकासी की व्यवस्था के लिए सुनिश्चित कराएंगे। नगर निकाय की टीम्स भी वहाँ पंपिंग और अन्य कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही वहाँ छिड़काव, फॉगिंग, डिप्लॉयमेंट और हर चीज़ करने की जो करना है वो करेंगे। जन जागरूकता भी फैलाते हुए IEC गतिविधियाँ करते हुए लोगों को जागरूक करके, ताकि डेंगू और जलजनित बीमारी उनका से बचाव के लिए लोगों को सावधानी के लिए बताया जा रहा है। और निरंतर सभी के प्रयास से, जन सहयोग से, मान्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोशिश यही है कि किसी तरह के प्रकोप से हम पूरी तरह बचा सकें।